Abundance Stock Advisors. Let's make money. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स. कुछ दिन पहले एक हॉट न्यूज ने शेयर मार्केट और ईवी सेक्टर को हिला कर रख दिया. मुकेश अंबानी ने $137 मिलियन में एक यूके बेस्ड बैटरी कंपनी फेराडियन को खरीद लिया. यह कंपनी सोडियम बेस्ड बैटरी बनाने में लीडर है. सोडियम बेस्ड बैटरीज एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है जो आज की लिथियम बेस्ड बैटरी को मात दे सकती है और आने वाले वक्त में 100% रिप्लेस भी कर सकती है. तो बैटरी सेगमेंट में रिलायंस का इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? सबसे ज्यादा बैटरीज कहां यूज होने वाले हैं फ्रेंड्स आने वाले वक्त में? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऑब्वियसली, जो कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा सेगमेंट होगा. भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कई प्रकार के इंसेंटिव्स दे रही है क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान है 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030. मार्केट्स एंड मार्केट्स की एक इंटरेस्टिंग रिसर्च के अनुसार ईवी मार्केट विल एक्सपैंड फ्रॉम 1.5 मिलियन यूनिट्स इन 2018 टू 10.79 मिलियन यूनिट्स बाय 2025. ओवरऑल मार्केट्स और कस्टमर्स ईवी को थम्स अप दे ही रहे हैं. पेट्रोल डीजल जल्दी ही थिंग ऑफ द पास्ट हो जाएंगे और कुछ ही वक्त में ईवी का मार्केट 100% भी हो जाएगा. लेकिन आप ये जान ले फ्रेंड्स कि ईवी सेक्टर का पूरा गणित बैटरीज पर डिपेंडेंट रहेगा क्योंकि अब फ्यूल पेट्रोल डीजल के बजाय बैटरी है. तो ये सोडियम बैटरीज एक गेम चेंजिंग ऑप्शन बन सकता है अगर हम स्टोरेज एफिशिएंसी, सप्लाई और उनके प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें. तो ऐसी क्या चीजें हैं जिससे कि रिलायंस फेराडियन की तरफ अट्रैक्ट हो गया? फेराडियन की टेक्नोलॉजी बहुत ही यूनिक है. इस कंपनी के पास पेटेंटेड सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी है. सोडियम बैटरी टेक्नोलॉजी और कई एस्पेक्ट्स को लेकर इस कंपनी के पास काफी बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो है और बहुत सारे पेटेंट्स है. इस टेक्नोलॉजी की वजह से लिथियम बेस्ड बैटरी के कंपैरिजन में सोडियम बेस्ड बैटरी काफी कॉस्ट इफेक्टिव, हाईली एफिशिएंट, इजी टू मैन्युफैक्चर, इजी टू सप्लाई बन चुके हैं. सोडियम बैटरी की यह कंपनी पायोनियर है. इनकी इस सेगमेंट में एक टाइप की मोनोपोली है. तो बस और क्या चाहिए रिलायंस को? टेक्नोलॉजी बहुत ही सुपीरियर, स्ट्रेटेजिक है और इसकी रीच काफी वाइड है. इस टेक्नोलॉजी में कोबाल्ट, लिथियम, कॉपर, ग्रेफाइट पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है. ये सारी चीजें आज के लिथियम बैटरीज में यूज होते हैं जो कि इन बैटरीज के लिए बाधा बन चुके हैं. इन कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी, माइनिंग, कॉस्टिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है. ये सारे मेटल्स डिप्लीट हो रहे हैं और जबकि सोडियम की मात्रा अर्थ में बहुत ज्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है, इसको कोबाल्ट और लिथियम के कंपैरिजन में एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत आसान है. फ्रेंड्स, बैटरी की 25% कॉस्ट उसके रॉ मटेरियल पर डिपेंड करती है. लिथियम की कॉस्ट अराउंड $15,000 पर टन है और सोडियम बेस्ड इलेक्ट्रोड की कॉस्ट केवल $150 पर टन है. कोई कंपैरिजन ही नहीं है. इन बैटरीज की कॉस्ट $700 पर किलोवाट आवर होगी और 2025 तक यही कॉस्ट $500 पर किलोवाट आवर पहुंच जाएगी. तो कॉस्ट वाइज ये काफी चीप है. लिथियम बैटरीज एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग 74% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है कन्वेंशनल कार्स के मुकाबले. तो ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पूरे ईवी के कॉन्सेप्ट पर पानी फेर रहा है जहां ईवी पोल्यूशन कम करने की बात कर रहे हैं. सोडियम बेस्ड बैटरीज एनवायरमेंट फ्रेंडली है. तो सारी चीजें सोडियम बैटरीज के फेवर में है. तो रिलायंस ने जो जियो में किया वो अब बैटरीज में भी होने वाला है. कंपनी बहुत इजीली सोडियम बैटरीज सेल करेगा एक बहुत ही सस्ते प्राइस में. और यस, एफिशिएंसी वाइज सोडियम बैटरी लिथियम बैटरीज से बेटर होंगे, सस्ते होंगे और इजीली अवेलेबल होंगे. तो सस्ता और टिकाऊ ये फॉर्मूला होगा बैटरीज में रिलायंस का. बैटरी कंपनीज के अब पसीने छूटने वाले हैं जल्द ही. इंडिया के लीडिंग लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरर्स जैसे इसरो, अमराजा बैटरीज, एचबीएल पावर सिस्टम्स, इयोन इलेक्ट्रिक लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इनको काफी खतरा है रिलायंस से. अगर इन्होंने जल्दी कुछ इनोवेशन नहीं किया तो ये खत्म हो जाएंगे. अगर इनके शेयर्स आपके पास है तो आप संभल कर रही है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. रिलायंस पहला प्लेयर होगा सोडियम बैटरीज में और मोनोपोली क्रिएट कर देगा. पैसे की इनके पास तो बिल्कुल कमी ही नहीं है. ये बिल्कुल जियो की तरह इन बैटरीज को लॉन्च करेंगे, कस्टमर्स को सोडियम बैटरीज की आदत डाल देंगे और पूरी कंपटीशन को वाइप आउट कर देंगे. फ्रेंड्स, रिलायंस और बैटरी के स्टॉक्स पर हमारी कड़ी नजर होनी चाहिए. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू फॉर नाउ एंड जय हिंद.